मेरी तरफ से सबको बहुत 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 दिली ईद मुबारक। दोस्तों, काफ़ी अर्सा हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज ईद का मौका है तो बस अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, थकावट काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी संदर्द कर, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा आज का व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम गाँव की तरफ जाने लगे हैं, गाँव की तैयारी की हुई थी। पहले पूरी फैमिली का प्रोग्राम था, अम्मी अबू का भी प्रोग्राम था और बच्ची भी है, क्योंकि इसके मामा तो ऑलरेडी जा चुकी है। किधर गई है मामा? अफगानिस्तान गई हुई है वो, उधर ईद के लिए, मतलब ईद को सेलिब्रेट करेगी, कुछ शादियां वगैरह थी अटेम्प्ट करने के लिए गई हुई है, तो वो वापस आएगी तो आएगी। तो अभी मैंने और हाँ, ईद के बाद आएंगी। अभी मैंने और मतलब अम्मी अब्बू और नूरुलदा ने प्रोग्राम लाया कि गाँव जाना है, तो अम्मी अब्बू का थोड़ा सा स्टे है क्योंकि तैयारी वगैरह नहीं की। वैसे गाड़ी पे प्रोग्राम था निकलने का, लेकिन अभी जो सा है हमने कैंसिल कर दिया है गाड़ी पे। मैंने और नूरुल हुदा ने गांव जाने का प्रोग्राम बनाया ना है। जी हाँ, हमने अभी गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया है। हम तो बाइक पे निकल जाएंगे और अम्मी अबू आएंगे बाद में गाड़ी में, क्योंकि सामान वगैरह है, कुछ थोड़ी सी छुट्टियाँ गुजारनी है उधर ही। काम काज से अभी फुर्सत हुई है, बस इंजॉय कर रहे हैं उधर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। जो लोग नए मेरे चैनल पे, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, मुसलसल कमेंट आ रहे थे, भाई आप वीडियो नहीं बना रहे, आप वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर रहे, माशाल्लाह आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। वो दरअसल वजह ये थी कि मैं काम में लगा हुआ था, मसरूफ़ था और टाइम मिलता नहीं था इस वजह से, क्योंकि टाइम व्लॉग्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम ना हो तो आपको पता है हर चीज़ पेंडिंग हो जाती है। तो इंशाल्लाह अभी मैं कोशिश करूँगा व्लॉग्स और वीडियोस बनाऊँगा। अभी छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों को एंजॉय करना है। अभी टेंशन फ्री हो गए हैं, जो मतलब अपने दूसरे कारोबारी मामला खाते थे वो क्लोज। पुत्री ये क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, अच्छा आपने ईद की तैयारी कर ली है? कोई नहीं, कर ली है। क्या ईद की तैयारी की है? कपड़े पहने हैं और जूते पहने हैं, जूते पहन के अच्छा ये मेहंदी किसने लगाई है? मेहंदी आपी ने। अच्छा, नहीं तो वैसे हमेशा जो सा ये मेहंदी मामा से लगवाती होती थी, अभी मामा तो नहीं है इसकी, तो आप ही से लगा के लाई हो है? जी अभी गांव जाना है जी तो क्या नहीं जो तो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े रहिए। हम निकलने लगे हैं अभी गांव, तकरीबन हो चुका है दिन के तकरीबन 1 या 1.25, इतना टाइम हुआ है। अभी हम जाएंगे गांव की तरफ और वहाँ के मनाजर, वहाँ के दिलकश खूबसूरत ब्यूटी वो भी आपको दिखाएंगे। रास्ते में कोई इस तरह का सीन नज़र आता है वो भी हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मैं तकरीबन अभी घर के करीब पहुँचने वाला हूँ गांव में, लेकिन यकीन माने एक बहुत बड़ा सीन होने वाला था पेट्रोल का। मैंने सोचा था कि पेट्रोल उधर मतलब फ़ौरन निकलते ही डलवा लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ सीन हो गया कि क्या कहते हैं, याद ही नहीं रही। और फिर रिज़र्व लग गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, उस रोड के ऊपर चढ़ गया जहाँ पर दूर दूर तक पेट्रोल पंप का नामो निशान नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिज़र्व पे मैं पहुँच गया। या आप लोगों को सामने शायद नज़र आ रहा हो पीएसओ पंप, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पेट्रोल पंप मिल गया है। बस पेट्रोल डलवाते हैं और फिर आगे निकलते हैं, अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन ये है कि गाँव का मौसम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पुरकशिश, और ये देखें बड़े मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पौधे जो उनसे मतलब आहिस्ता आहिस्ता, और शॉप्स वगैरह तकरीबन सारी की सारी क्लोज हैं। मैंने ये सोचा था कि इधर पीछे एक छोटा सा बाज़ार है हमारे घर के करीब जो सा लगता है छट्टा बाज़ार, वहाँ से कोई थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करूँगा। और ये देखे ना नूरुलदा, हाँ उत्तर मास्क भी लगाया हुआ, कहती है मास्क नहीं उतारना क्योंकि स्कूल में जो है बच्चों को पाबंदी के साथ मास्क पहनाया जा रहा है, इस वजह से ये कहती है मैंने मास्क नहीं उतारना। मैंने चलो बच्चे, लेकिन ये है कि गांव की फ़िज़ा आप लोगों को जैसा कि मालूम है खुली डुली होती है, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल और परेशानी नहीं होती, तो इसलिए मास्क का मैं खुद नहीं इस्तेमाल कर रहा। बाकी जैसे शहर के अंदर मास्क का इस्तेमाल आम है, अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए क्योंकि एहतियात अपने हाथ में है। बाकी आगे अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि सफ़र कहाँ तक पहुँचता है, क्या सिलसिला होता है, क्या वहाँ पर मामलात होते हैं क्या नहीं। पेट्रोल डलवाते हैं और चलते हैं। दोस्तों सफ़र करने की चस आ गई है, यकीन माने यहाँ की जो ऑक्सीजन है ना
अंदर जाती है, बिल्कुल सुकून मिलता है। 2 महीने के बाद गांव की तरफ मैं मतलब टपक रहा हूँ, ये देख रहे होंगे माशाल्लाह, ये किसी ने जगह खरीदी है सारी की सारी, और यहाँ पर पानी का कुछ छोटा सा डैम बना हुआ था और पौधे लगाए हुए इन्होंने, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मतलब डिज़ाइन बना रहे हैं। यहाँ पर अंदर इन्होंने डेरे वगैरह बनाए हुए हैं, वो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें, यहाँ पर इन्होंने कुछ छोटा मोटा सेटिंग बनाई हुई है, फार्म्स वगैरह, मतलब पता नहीं, मेन रोड पे इन्होंने बोर्ड वगैरह भी लगाया हुआ है, बहुत फिट। और ये देखें मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, और ये क्या कर रही है, क्या कर रही हो? नेल पॉलिश लगा रही हैं। नेल पॉलिश, नेल पॉलिश पुत्र हर वक्त नहीं ना लगाते, नेल पॉलिश हाथों का देखो, हैं, उतर रही थी तो उसके ऊपर नेल पॉलिश लगाओगी? ये देखो, ये तो ऐसे पता लगता है जैसे चिड़ेल बन गई हो, चिड़ेल के नाखन है। बहरहाल जी आगे चलते हैं, देखते हैं। मैंने कहा चले आप लोगों को मैं दिखाऊं, मौसम बहुत प्यारा हुआ है आज गांव का, और सफ़र करने का यकीन माने बहुत स्वाद आ गया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया है, ये देखिए। लेकिन ये है कि जब सफ़र करो बाइक के ऊपर, तकरीबन मुसलसल 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर है, कम हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक, एस्टिमेशन के मुताबिक टाइम ऊपर हो चुका है। और घर कितना दूर है, ये बार बार पता कर रही है घर कितना दूर है, घर कितना दूर है, कब पहुंचेंगे बाबा, कब पहुंचेंगे? अब तो बहुत जल्दी है घर जाने का, है जी। वहां पर जाके क्या करोगी? कुछ भी नहीं। नहीं कुछ तो करोगी ना, मुझे बताओ ना। नहीं बता। हाँ ये अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलेगी, वहां पर कौन सी फ्रेंड है, है? दोस्त है। हाँ दोस्त है, चलो जी फिर अच्छा चलते हैं। किधर जा रही हो? उधर कैसे जाओगी? जब भी मैं इस जगह पहुंचता हूं यहां पर मैं स्टे ज़रूर करता हूं। ये बार बार कह रही थी कि पानी वाली जगह किधर है, पानी वाली जगह किधर है, मैंने कहा चलो गधे को देख कर, कहती है ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है पुत्र, देखना गिरना नहीं, ठीक है ना पुत्री, आराम से, आराम से देखना। हाँ जी वाह, शाबाश शाबाश, चलो आओ मैं देखता हूँ। वो आप उधर ऊपर पहुँचो ना, ठीक है मैं आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ चलो शाबाश, मैंने कहा जी, कहती है मैं खुद इधर से पार करूंगी, बाइक पे बैठ के नहीं जाती, मैंने कहा चलो ठीक है सही है। तो ये उधर से हम क्रॉस करके आ गए, वो उधर नीचे कसी थी उस जगह, अभी ये इधर आ गई है, खड़ी हुई है। फिर पुत्र मास्क पहन लिया, मास्क उतारो ना, आपको कहा दुकानों से भी उतारो, दूसरी साइड से भी उतारो। हाँ आप बोलो कहाँ पर पहुँच गई हो? इस तरफ। इस तरफ किस तरफ, मज़ा आया कि नहीं? कितना मजा आया? चलिए पैदल चलिए तो मजा आया। अच्छा बाइक पे बैठ के मजा नहीं आया? नहीं। पैदल चल के मजा आया? अच्छा अच्छा चलो फिर आप पैदल चलो, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, आप पैदल आ जाओ घर। रास्ता पता है ना जी? या नहीं पता? पता है, पता है रास्ता जी। किधर है रास्ता, घर किधर है? सीधा जाना, वो उधर रास्ता, फिर आगे जाना, आगे जाना, फिर उसके बाद घर आ जाओ। हाँ तो आगे पुत्र कुत्ते भी है, चलो। अपने परदादा के दरबार में सबसे पहले मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं गांव में आते ही पहले बाबा जी के दरबार में जाऊं, हाजिरी दूं, उसके बाद फिर क्योंकि ईद का एक ऐसा त्यौहार होता है सबके साथ मिला जाता है, तो इसलिए पहले सलाम करूंगा, फिर अपने बाकी जितने रहे थे उनके साथ मुलाकात होगी, गपशप होगी, शोर मेला होगा, तो बाकी वालदैन उनसे अपनी वो गाड़ी में आ रहे हैं, आएंगे फिर उसके बाद चांदी दिन गुजारे में छुट्टी मारते हुए गुजर जाते हैं। अच्छा मैंने आपको क्या बताया, ये अब कब्र किसकी है, ये जो सामने नजर आ रही है? परदादा का। नहीं पुत्र, परदादा की वो आपको पीछे नजर आ रहा है ना बड़ा दरबार जी, वो हमारे परदादा की है। किसकी है? परदादा। हाँ ऊंचा बोलो ना, परदादा। और ये कब्र सामने जो सी नजर आ रही है ये किसकी है? मुझे कब था ये पुत्र,
हमारे दादा की है, आपके परदादा की है। किसकी है? परदादा। हाँ, वो आपके लकड़ दादा है। वो पीछे जो दरबार बनी हुई है ना, वो लकड़ दादा है। कौन है? लकड़ दादा। ऊंचा बोलो ना, लकड़ दादा। लकड़ दादा। हाँ, और ये मेरे अब्बू के अब्बू की कब्र है। किसकी? मेरे अब्बू के अब्बू। हाँ, उनका नाम क्या था? मुझे क्या पता। मौलवी अब्दुल मौलवी अब्दुल गनी। मौलवी अब्दुल गनी। मौलवी अब्दुल गनी। सही है। चलो इधर आओ, हम करो मुझे इधर, मैं भी करूँ। और पता है अभी दुआ करनी है, ठीक है? चलो शाबाश। वीवर्स, घर में पहुँच गया हूँ गांव में, और तकरीबन 2 माह के बाद अभी घर में आमद आमद हुई है। अभी मैं चेक करता हूँ पौधे मैंने जो से लगाए हुए थे, ये देखें इनका हाल बहुत बुरा हुआ हुआ है। बड़ी शौक से लगाए थे, ये आलू का पौधा था माशाल्लाह, फला फूला काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है, लेकिन इसको तरतीब देना पड़ेगा। जैसे कि ये देख रही हूँ, ये नीचे बैठ गया है, मतलब लेट गया है। और इसके अलावा मैंने एक और पौधा लगाया हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये नज़र आ रहा होगा, आलूबुखारे का पौधा है, और इसके साथ माशाल्लाह माशाल्लाह फल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पड़ा हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फल। ये है कि इसकी थोड़ी सी खिदमत करनी पड़ती है, अगर खिदमत करूँ तो ये भी फल बेहतरीन देगा। अनार का पौधा लगा हुआ था, यहाँ पर मैंने एक और पौधा लगाया था, लेकिन वो बदकिस्मती से सूख गया है। बाकी चलते हैं अंदर का हाल वाल, मुझे यकीन है कि बहुत ही बुरा होगा, वो आप लोगों को दिखाना नहीं है, क्योंकि अभी जब आएंगे घर के बाकी अफराद वो सेटिंग सुटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद वो चंद ही स्टे करते हैं या नाइट पास करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और छोटी जौन सी है नूरुल अदा, वो तो फ़ौरन पहुँचते ही उसे अपनी कंपनी मिल गई है, फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ एंगेज हो गई है, कहती है मैं जा रही हूँ और ईदी इंजॉय करूँगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और अभी जौन सी छुट्टियाँ, वो मुझे पता है कि वह अब्बू आएँगे और कामों की सत्यानाश कर देंगे। कामों की मतलब इस तरह कि काम काज बहुत सारे उन्होंने खोल के रखे हुए हैं, उसमें ये शामिल है कि हमने काफ़ी सारी गंदम लगाई हुई थी, तो हम तो मतलब इस्लामाबाद में अपना जो सा काम है उसमें मसरूफ़ से आ नहीं सके, इसलिए उन्होंने कटाई गवाही करके त्रोणों के अंदर दाने डाल दिए हैं, वो अंदर रख दिए हैं। ये मेरे ख्याल से उस अंदर ये जो सा अंदर है, इस अंदर इन्होंने रख दिए। अभी आएंगे, धूप लगाएंगे, साफ़ सुथरा करके, हमारी ज़ुबान में कलोटे का मतलब उन्हें कहा जाता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके अंदर डाल के महफूज करके चला जाना है, और जो मतलब फ़रोख्त करने वाले हैं वो फ़रोख्त कर देंगे, और जो रखने वाले हैं वो रखेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है। ये पौधे आपको शायद पीछे नज़र आ रहे हों, ये देखें, ये हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, ऐसे पता लगता है जो इर्द गिर्द के किसी इलाके में बर्फ़ का मतलब सिलसिला चल रहा है। चलें, चलते चलते क्या वीवर जी, जैसा कि देख रहे होंगे सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत बड़ी तब्दीली के साथ मौजूद हैं। तकरीबन हमने 1 से 1.5 साल या 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, उनमें देखा होगा सेठ साहब ने काफ़ी बड़ा बाग बनाया हुआ था, और छोटी छोटी मुलायम सी दाढ़ी के साथ, और माशाल्लाह ये तबलीग में मतलब तबलीग जाने के बाद अब वापस आए हैं, और इनकी तब्दीली आप देख सकते हैं। माशाल्लाह इस दफ़ा कुरान पाक ख़त्म आपने कराया या पीछे सुना है, क्या किया? सुना है, इन्होंने सुना है, और इबादत में काफ़ी मसरूफ रहे हैं, और इतकाफ़ भी बैठे हैं, इतकाफ़ भी बैठे हैं। और अभी जो है मैंने तो मशक्क़त में लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी सब्ज़ी इन्होंने लगाई है, ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा पूरा बाग इन्होंने कर दिया। और ये एक बच्चा जो है, ये आप देख रहे होंगे, ये ईदी लेने के लिए इतनी जद्दोजहद और कोशिश के बाद कंडातार से निकल के आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे ले चुके हैं। आप ईदी ले चुके हो? हैं, ले चुके हो ना? हाँ, ले चुके हैं, और बाकी सब ले चुके हैं। ये एक मासूम सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, शरारती सा बच्चा, सोया हुआ था, अभी उठ गया, तो इसे ईदी चाहिए। ईदी चाहिए? हैं, क्यों?
अब इसकी भी ईदी मिलेगी। ये लो, क्या खाना है, क्या चीज लोगे? हमको भी ईदी दो ना यार। भाई आपको ईदी नहीं, आप हमें ईदी दें। आप अपने हिसाब से देखें ना, अपने हिसाब से आपको मुझे ईदी देनी चाहिए। गांव में भी देखे जी, मास्क लेके मैं आया हूँ, कोई पता नहीं है। इधर लेकिन इधर ये अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की कोई ऐसी लहर नहीं है, गांव बिल्कुल महफूज है। और देखे वो छोटे, वो देखें जी, वो देखें बच्चे की तरफ देखें। कन्नतार में से निकल गया। और आप साहब हमें ये बताएं ना, आपने क्या क्या लगाया हुआ है यहाँ पर? लगाया जी, हरी मिर्च लगी हुई है, शिमला मिर्च लगी हुई है, पालक लगी हुई है, आलू लगे हुए हैं, टमाटर लगे हुए हैं। अच्छा, ये देसी पेड़ हैं या कोई इसके अंदर मतलब? आए आपको हम टमाटर दिखाते हैं। अच्छा, टमाटर लगे हुए हैं, हाइब्रिड हाइब्रिड किस टाइप लगे हैं वो सामने लगे हुए। चले आपको विजिट कराते हैं इंशाल्लाह, इनका बाग जितना भी है सारा का सारा हम एक्सप्लेन करेंगे, और इन्होंने जो मेहनत मशक्कत की है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया तफसीलन, क्योंकि अभी इंजन लगा हुआ है फिलहाल। अच्छा, इंजन बंद कर दिया है। चले, इंजन बंद हो गया है क्योंकि आवाज़ जो सी है ना वो थोड़ी सी हो जाती है। ये चेक कर, ये देखें जी, ये हमारे पास एक और छोटे से नन्हे मुन्ने सलमान खान की कॉपी आ गए हैं। बाल इनके देखें, ये बाल किस किस के कहने पर रखे हैं? फिल्में देखते हो, कोई नहीं देखते? देखते हो, कौन सी फिल्म देखी है? हैं, ये भी मेरे मतलब दत्तपोत्रे का बेटा है, तो बड़ा शरारती है। शरारती हो, शरारते करते हो, कोई नहीं करते हैं? करते हो, सही है। ईदी किस किस ने दी है? सारे ने, सारे ने दी है। अच्छा, मेरे से लेनी है कि नहीं लेनी? लेनी। क्यों लेनी है, वजह? अच्छा, बाकी सबको मिल गया? कोई नहीं, सबको मिल गया है। उन्होंने क्या कहा है? ये तो कंटे है यार। चलो आपको भी दे देते हैं, आप खुद निकालो, मैं देखता हूँ आप निकाल लोगे कि नहीं। ये लो अपने हिस्से की, दूसरी साइड से काट के आराम से, नोट फाड़ने नहीं है। आराम से आराम से आराम से, ऐशा वशे निकल गई, उसके अंदर डाल के उसे बंद कर दो। और देखो नीचे गिर गया, आराम ना आराम ना, तक ही चली ना। ये दे दे दो, देखना कांटे, आराम ना आराम। अच्छा, आप इस ईदी का कर क्या करोगे? हैं, खिलौने लोगे या कोई चीज़ लोगे? टॉफी बबल बोतल पापड़? खिलौने। अच्छा, खिलौने लोगे। खिलौने किसने लगाए? दुकान यहाँ पर है कोई? नहीं, कल जाऊंगा। अच्छा, कल जाओगे, चलो ठीक है, शाबाश, जाओ फिर मौजा मारो। और कोई रहता है उसे भी भेजो। चलो जी, पटाखे छोड़ के मेरी हूँ दसो, तेरा मैं तखा। ये ग्रां आया से जी, बच्चे हूँ शुगर लगे हुए, उर्दू में बोले तो ये देखें, वो भी पटाखा छोड़ रहा है, ये भी पटाखा छोड़ रहा है। ये पुत्रा देखना, मेरे पैरा एक छुपसी है छोट, ये दो नंबर पटाखा, कोई छुट नहीं है। ये पटाखे असा थे छोड़ने होने से। ओए एक पटाखा लाग मेरी दसो, मैं इतना छोड़ के दसा। इधर दस, हैं इधर थे पर मेरे कपड़े है ना सट। ओ तेरा एक छूट गया। वालेकुम सलाम, कितू लेके आने पे पटाखे? अच्छा, रखी हुई ऊपर। दोस्तों ये जो से हैं, ये आप इन्हें शायद जानते ना हो, ये उसामा बिन लादन है। ये दूसरी कापी है उसामा बिन लादन की। ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एक आबाई गांव दरकाली खुर्द में मौजूद हैं। जिन लोगों को इनकी तलाश है, यहाँ पर आकर उसामा बिन लादन को तोहफे ताइफ दे के मतलब नवाज सकते हैं। तो आज आप क्या सवाल जवाब कर रहे थे, आपका क्या कहना है? ईद के मौके पे हम आए हैं अपने गांव में, और ये भाई देखें बहुत खुश हैं, हंस रहे हैं, और कुछ कहना चाहते हैं अपने अल्फाज में आप सब लोगों को। अब क्या कहना चाहते हैं? जी जी बेटा, देंगे सबको ईदी देंगे। अभी हम फिलहाल एक आपको नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए, ठीक है।
आपको मेरी तरफ से 10 रुपए बहुत है या नहीं है या 5 रुपए? आप अपने पास है, पास क्यों रखूँ? आपका हक है, आप लें, ठीक है कि नहीं? आजकल के दौर में 5 रुपए की जूता भी नहीं कोई बात। जूता नहीं, टॉफी लेनी है ना, आप टॉफी लेके खा लेना चुप करके मजे के साथ। बच्चे थोड़े ही हैं, बड़े हो गए जी जी। चलें आपके घर वालों से बात करते हैं, आपकी जल्द से जल्द शादी की जाए, ठीक है? पहले आप एक और कर देना, फिर हम भी आपके साथ कर लेंगे। आप सबसे बड़े हैं, ठीक है? हाँ, हम दोनों। चलो अच्छा ठीक है, आपकी यार मुद्दे की बात करते हैं, आप टेंशन लो। आपको सामने, अच्छा ये देखिए जी, ये बच्चों की ईद है, आपको सारे नहीं, आपको ये देते हैं आपकी ईद। सही है, तो शुक्रिया कौन अदा करेगा? शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? ये अंगूठी भी लगाई हुई है, लिपस्टिक भी लगाई हुई है, आपको ईदी चाहिए? ये लो, आप भी दी लो, ये लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। कैसे देखे जी, शर्मा रही है, कैसे शर्मा रही है? बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पकड़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के वो बरकत पड़े इसमें, 100 का 200 हो जाए। सही है जी, हूँ 100 दिता ना तो मेरी की 500 वापस। चलो शाबाश, वापस कोरे शोरे को नहीं मिलने।